खत्म। अरे क्या हुआ? शिया तबियत। अरे जोर से बोलो क्या हुआ? शिया तबियत खत्म।
भाई साहब ऐसा मत करो भाई साहब, बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल लेके जाना है, बहुत मजबूरी है भाई साहब। मजबूरी मजबूरी तो मेरा भी था, आज तुम्हारा बच्चा बीमार है, उस दिन मेरा भी बच्चा बीमार था, आज तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, उस दिन मुझे भी हॉस्पिटल लेके जाना था, अरे उस दिन तुम्हारे बाप का रोड था, आज मेरे बाप का रोड है, देखते हैं कैसे लेके जाते हो गाड़ी। अरे उस दिन तुम मेरा मजबूरी नहीं समझे, आज मैं तुम्हारा मजबूरी क्यों समझूं? ठीक है भाई साहब, इंसान उस दिन मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया, लेकिन ये अपना सामान रोड से नहीं हटा, तो मैं क्यों हटाऊं? मैंने बोला था आपको, अल्लाह ना करे कभी आपको ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन आपको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है आज, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा, लेकिन आपके वजह से इसके बेटे की जान नहीं जानी चाहिए भाई। आप सब समझदारी दिखाइए, आप समझदार हैं, आप सब हटल, आप चलिए मेरे साथ, चलिए भाई आ जाइए घर लेके। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, तेज बुखार की वजह से कांप रहा था वो, लगता है ठंड का असर है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, 2-3 दिन से वो नदी में नहा रहा ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, आप टाइम पे खिलाते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत सही टाइम में लेके आए आप, थोड़ी सी लेट हो जाने से बुखार सर में चढ़ जाता, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी, आप टेंशन मत लीजिए, सही हो जाएगा। बहुत बड़ा गलती हो गया था, जो मेरे बेवकूफी की वजह से उसका बेटा का जान गया, आज मुझे एहसास हुआ जो बेटा किसको कहते हैं।